आप देख रहे हैं TNB। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों अपने बयानों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बाबा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की तरफ से मानहानि का नोटिस भेजने की खबर अभी आई थी कि उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर सके। तो ये नजर डालते हैं इस वीडियो पर और सुनते हैं कि आखिर और क्या कुछ कहा है बाबा रामदेव ने इस वीडियो में। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा, बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। जैसे कि आपने सुना कि रामदेव बाबा इस वायरल हो रहे वीडियो में ये कहते दिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग शोर मचाते हैं कि अरेस्ट करो, कभी कुछ चलाते हैं तो कभी कुछ चलाते हैं, कभी चलाते हैं कि ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, अरेस्ट रामदेव कुछ लोग चलाते हैं, चलाने दो इनको, किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को अरेस्ट करे। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट बाबा रामदेव के ट्रेंड होने पर एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बाबा रामदेव ने यह बयान दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बकवास विज्ञान कहा था, जिसको लेकर IMA ने आपत्ति जताते हुए रामदेव बाबा को मानहानि का नोटिस भेजा है और 15 दिन के भीतर माफी मांगने को कहा है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमार्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। अगर वो 15 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का IMA जो है वो दावा ठोकेगी। अब तो इसके साथ वक्त ही बताएगा कि इस मानहानि नोटिस पर रामदेव बाबा क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वो माफी मांगते हैं या फिर नहीं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।